हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिता शर्मा, क्रिस्टा आईवीएफ कानपुर से आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी भ्रूण प्रत्यारोपण एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। इसको मैं चार भागों में डिवाइड करूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेशेंट को इसके बारे में जानना होता है, हर रिलेटिव को इसके बारे में जानना होता है। तो सबसे पहला भाग मैं डाइट के बारे में बात करूंगी। तो डाइट में सबसे पहले मैं यही बताऊंगी, आप हेल्दी बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, जिसमें कि हाई अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, हाई अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, लो कार्बोहाइड्रेट एंड लीन प्रोटीन एंड गुड फैट लीजिए, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगी, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में जो खाना बनता है उसको ही लीजिए। बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड करिए। उसका रीज़न सिंपल है, आप बाहर खाएंगे कुछ आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, डायरिया हो गया, फीवर होगा, इससे जो आप ड्रग्स ले रहे हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं, उसका बॉडी में जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बाकी आप कहोगे नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं, तो नॉनवेज के लिए मैं बोलूँगी हाँ, आप फुल्ली नॉनवेज खाइए, प्रोटीन्स आपको अच्छे से लेना है नॉनवेज में। लेकिन अनकुक्ड या फुली कुक्ड ना हो ऐसा मत करिए, फुली कुक्ड खाना है आपको। आप मीट खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, एग, सब कुछ लीजिए। तीसरा कि फ्रूट्स, कौन कौन सा फ्रूट्स खाना है, कुछ अवॉइड तो नहीं करना है, तो पपीता अवॉइड कर सकते हैं, बाकी और सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हैं। दूसरा भाग मैं आपसे डिस्कस करूँगी रेस्ट और एक्सरसाइज के बारे में। रेस्ट और एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे कॉमन क्वेश्चन बोलता है, मैडम बताइए कि हम भ्रूण प्रत्यारोपण के बाद हमें कहीं बेड रेस्ट तो नहीं करना है, कहीं हमको ट्रैवल के लिए मना तो नहीं है, हम ऑफिस जा सकते हैं कि नहीं। तो सिंपल आप सुनिए कि बेड रेस्ट जो है वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में। आप अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ करिए। अगर आपका ऑफिस जाना है आपको भ्रूण प्रत्यारोपण के बाद, अगर आप ऑफिस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ऑफिस कंटिन्यू करिए। अगर वहाँ पे आपको बैठने वाली जॉब है या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, लैपटॉप पे काम करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रैवल की बात करेंगे तो हाँ, मैं लॉन्ग ट्रैवल के लिए बोलूँगी कि इमिडिएट आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आप अवॉइड करिए, बहुत लंबा जर्नी अवॉइड करिए। अगर ये 10 से 12 घंटे का है, अगर ये शॉर्ट जर्नी है 3 से 4 घंटे की है, आप रोड अच्छी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा पूछते हैं कि हम स्टेयर्स चढ़ सकते हैं कि नहीं। स्टेयर्स के लिए मैं बोलूँगी कि हाँ, जो आप घर पे डेली स्टेयर्स चढ़ते हो 2 से 3 बार ही रिकमेंडेड है। अगर आप सोचो कि 10 to 12 टाइम्स कर लें पर डे, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है आपको, और सेक्सुअल एक्टिविटी से भी आप दूर रहें तो अच्छा रहेगा। और बेड रेस्ट अवॉइड करने ना करने का केवल एक ही रीज़न है कि अगर आप बेड रेस्ट करोगे, हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहो, उससे स्ट्रेस होगा। दूसरा क्या होता है कि यूट्रस का ब्लड सर्कुलेशन भी लो हो जाता है, जिससे कि एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन का रेट कम हो सकता है। तो आप बिल्कुल जैसे डेली रहते हो वैसे ही रहिए, उसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है। तीसरा मैं मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूँगी। तो मेडिसिन में आपको मैं ये बताऊँगी कि जो आपकी डॉक्टर ने आपको ड्रग्स इंजेक्शंस दिए हैं वो टाइमली आप उसको लेना है। आपको वेजाइनल जेल इंसर्ट करना है, वो सुबह शाम आपको टाइमली हैंड वॉश करके उसको क्लीन करके आपको लेना ही लेना है। आपको जो मेडिसिन दी जाती है उनका साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो ब्लोटिंग गैस प्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए आपको फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, स्मॉल मील्स लेनी है। आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, जो आपको इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन्स वगैरह लगते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके लिए आप पानी बहुत लीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन करिए, फ्रीक्वेंट इंटरवल पे आपको पानी लीजिए, और यूरिन करने के लिए भी बार बार जाइए। तो अगर आप ऐसे रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथा मैं बात करूंगी आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के बारे में, क्योंकि इट इज़ अ वेरी टायरिंग एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन कि आपने इतने इंजेक्शंस लिए हैं, इतना पैसे खर्च किए हैं, आपको हर वक्त टेंशन रहती है कि मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा, क्या होगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि अच्छा सा घर पे एनवायरनमेंट रखिए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। आप अपने पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स जो आपको सपोर्ट करते हैं उनके साथ रहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रहिए। और अगर रिलैक्सिंग टेक्निक्स की बात करें तो आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अपने आप को बिजी रखिए, और बेस्ट ऑफ लक, आपका रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। ये थे कुछ प्रिकॉशंस जो आपको भ्रूण प्रत्यारोपण के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद लेना चाहिए। अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।